मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति और हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय जोशी जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री संतोष जी, हमारे निर्वाचन अधिकारी राधामोहन सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी, और आज देश भर से आए हुए कार्यकर्ता बंधु भगिनियों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए हर्ष का, आनंद का और गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले जगत प्रकाश जी को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष करकर निर्विरोध चुना। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी समग्र देश की सभी पार्टियों में इसीलिए अलग पार्टी दिखाई पड़ती है कि पार्टी ना जात पात के आधार पर चलती है, ना वंशवाद के आधार पर चलती है। लोकतंत्र में आज देश के फलक पर देखते हैं तो ढेर सारी पार्टियां अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को खो बैठी, अपने परिवारजनों को ही येन केन प्रकारेण अध्यक्ष बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, इसकी दौड़ में, इसकी होड़ में रहती हैं। एक केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद के आधार पर नहीं चलती, कार्यकर्ता के गुण, अनुभव, समर्पण, पार्टी निष्ठा और देश के प्रति उसके लगाव को देखकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और नीचे तक का संगठन तय करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के गौरवशाली पद की परंपरा में नड्डा जी 11वें अध्यक्ष बनकर हम सबका आने वाले दिनों में मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं नड्डा जी को हृदय से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि नड्डा जी आइए, आप मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी का मार्गदर्शन करिए और पूरी पार्टी को अनछुए लक्ष्यों तक ले जाने का आपको प्रभु सफलता दे, इस प्रकार की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 5.5 साल तक मुझे भी इस पार्टी ने, ये महान पार्टी के अध्यक्ष के नाते सेवा करने का मौका दिया था। ढेर सारी उतार चढ़ाव करते करते करते, ढेर सारी सफलता प्राप्त करते हुए हम आज इस मकाम पर पहुंचे हैं और ये 5.5 साल में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। लगभग पूरे देश में हमारा संगठनात्मक विस्तार हुआ, कई नए राज्य वहां हमने चुनावी सफलताएं प्राप्त की और मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त कर आज मोदी जी हम सबके बीच में प्रधानमंत्री बनकर खड़े हैं। और ये पूरी यात्रा में पार्टी के अध्यक्ष के नाते काम करते करते, कई कार्यकर्ताओं से काम लेते लेते मुझसे बहुत सारी चूक भी हुई होगी, गलतियां भी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को, थोड़ा मेरा स्वभाव भी ऐसा है, कठोरता से कहा भी होगा, कठोरता से काम करने के लिए थोड़ा जोर भी डाला होगा, मगर मैं इतना गर्व से कहता हूं कि मोदी जी से लेकर बूथ के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे पार्टी चलाने में हृदय से सहकार, हृदय से समर्थन और हृदय से आशीर्वाद दिया और इसी के कारण आज ये पार्टी अनेक क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़ने के लिए सफल, झंडे गाड़ने में सफल हुई है। आज इस क्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहां बैठे हुए सभी
पार्लियामेंट्री बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य, मेरे पुरोगामी सभी अध्यक्ष और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं का मैं मेरे कार्यकाल में आपके समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद करकर आपके ऋण का स्वीकार करना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया, चुनावी राज्यों में भी कई ऐसे राज्य जहां हम स्वप्न भी नहीं कर सकते थे, मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां सरकारें बनाई, कार्यालय, प्रशिक्षण विभाग, प्रकल्प, लाइब्रेरी, नियमित कार्यकारिणी और प्रवास का एक वैज्ञानिक खाका, ये सब आप सबके सहयोग से हम कर पाए हैं। आज यहां पर हमारे संगठन मंत्री श्री रामलाल जी भी उपस्थित हैं। रामलाल जी लंबे समय तक, 12 साल तक पार्टी में संगठन मंत्री रहे, मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद रामलाल जी पूरे समय संगठन मंत्री रहे, उनके योगदान को भी मैं यहां पर याद करना चाहता हूं और एक्नोलेज करना चाहता हूं। मित्रों, आज नड्डा जी हमारे अध्यक्ष बने हैं और नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब आगे पार्टी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए हम तैयार हैं। इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे छूट गए हैं जहां अभी भी हमें चुनावी सफलता प्राप्त करनी बाकी है, अभी भी हमारे संगठन को बूथ तक पहुंचाना बाकी छूटा है। तो मैं आज नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान भी करना चाहता हूं कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए अपने आप को तैयार करें और जो कुछ भी छूट गया है वो सर्व नड्डा जी के कार्यकाल के अंदर ये पार्टी सिद्ध करे, इसके लिए नड्डा जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। मोदी जी ने 5 साल के अंदर देश के समग्र जनता को ये अनुभव कराया है कि नीचे से काम करने वाला कार्यकर्ता, एक गरीब घर में जन्मा हुआ कार्यकर्ता अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो देश में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। मित्रों, ढेर सारी नई योजनाएं और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए इतना यत्न शायद आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। योजनाएं बनती थी, कागज पर धरी की धरी रह जाती थी। मोदी जी ने ये 60 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, शौचालय पहुंचाना, घर पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की पूरी चिंता समाप्त कर देना, बिजली का बल्ब पहुंचाना और अब नए टर्म के अंदर सभी के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का भी संकल्प लिया है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गौरव ले सके इस प्रकार से मोदी जी ने सरकार को चला है, चाहे सरकार की विदेश नीति हो, चाहे सरकार की रक्षा नीति हो, या चाहे सरकार इकोनॉमिक के क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हो, सब तरीके से एक परिपूर्ण लोक कल्याणकारी सरकार कैसी हो सकती है उसका मॉडल मोदी जी ने आज हमारे सामने रखा है और आज भी हम उनके नेतृत्व के अंदर ये नई सरकार के कार्यकाल को शुरू करें हैं। ढेर सारे हमारे चाहे धारा 370 हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो अयोध्या के अंदर, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, हर मामले को, हर हमारे वादे को पूर्णता की ओर मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने पहुंचाया है, इसका आज हम सबको गौरव है। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं हृदय से नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर बूथ के अंदर हमारा कमल का निशान पहुंचे और हर बूथ जीत सके, इस प्रकार की पार्टी को आप आगे पहुंचाइए, यही मेरी शुभकामनाएं है, यही मेरी प्रभु प्रार्थना है। ये बात कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। फिर से एक बार दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींच कर नड्डा जी को हम सब समर्थन का वादा करें और भारत माता का जय घोष करें। बोलिए, भारत माता की जय।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज के इस अवसर के केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, आदि अर्णबाजी जोशी जी, पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, यहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सांसद, विधायक, राज्यों के मंत्री, सभी राज्यों के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि राजनीति में जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर के हम चले थे, जिन आदर्शों और मूल्यों को लिए चार चार पांच पांच पीढ़ी खप गई थी, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालेगी, अपने आप का विस्तार करेगी। प्रारंभ से ही पार्टी का स्वभाव रहा कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और कार्यकर्ता का वर्टिकल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो एक प्रकार से समक्षितिज विस्तार होता चले और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले, और उसी परंपरा का परिणाम है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार नई नई पीढ़ी मिलती चली जा रही है और जो अपने कालखंड में उत्तम से उत्तम सेवा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होती है। मेरा सौभाग्य रहा है कि यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों के हाथ के नीचे पार्टी का काम करने का मुझे अवसर मिला है। कभी राज्य में तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर इन सब की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे मौका मिला है, और इसलिए हमारी पार्टी में वरिष्ठ जन अपने साथी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे उसको बल देते हैं, उसको अवसर देते हैं, वो हम लगातार अनुभव करते हैं, हर स्तर पर अनुभव करते हैं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष अमित भाई और 2014 का चुनाव जो राजनाथ जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे थे, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव अब लगातार चलने वाली प्रक्रिया हो गई है। अकेले में तो सब दल बोलते हैं कि बार बार चुनाव, लेकिन जब सामूहिक स्टैंड लेना होता है तो हर एक को कुछ न कुछ कठिनाई आती है।
आमतौर पर हमारी पार्टी का विस्तार संघर्ष और संगठन, इन दो पटरी पर हमारी पार्टी चलती रही। देश हित की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहना, संगठन को बढ़ाते चलना, कार्यकर्ता का विकास करते रहना, लेकिन राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए दल को चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि देखते ही देखते राजनीतिक दल स्वयं ही अपने आप में सरकार का हिस्सा दिखने लग जाता है। और 70 साल का हमने इतिहास देखा है कि दल और सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच में एक छोटी सी लकीर भी नहीं बची थी। तब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 2014 से 2019 के दरमियान भी कि हम सत्ता में रहते हुए दल को, दल की गतिविधि को, दल के कार्यकलापों को, दल का जनसंपर्क वाला बात को, हर चीज में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देंगे। हम किसी भी हालत में सरकार और दल के बीच की जो लकीर है उसको कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। हम इसमें जो आवश्यक मर्यादाएं हैं और मर्यादाओं का पूरी तरह पालन करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि अमित भाई के नेतृत्व में बीता हुआ जो कार्यकाल है, जिसमें क्योंकि राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए संघर्ष करना संभव नहीं होता है, ऐसे समय दल को चलाना और दल को बढ़ाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हमने उस चुनौती को बड़ी आसानी से पहले की तुलना में पार्टी की शक्ति बहुत बढ़ाई है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के द्वारा पली बड़ी पनपी हुई पार्टी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल कभी न कभी एकेडमिक वर्ल्ड के लोग इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार भी किया है, विकास भी किया है, जन आकांक्षा अपेक्षाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है, समयानुकूल परिवर्तन की जहां आवश्यकता रही है वहां परिवर्तन किया है, एक जीती जागती चेतनवंत पार्टी सिर्फ संख्या बल के जोर पर या चुने हुए प्रतिनिधियों के बल पर बहुत बड़ी हुई पार्टी नहीं, लेकिन जन सामान्य के दिलों में जगह बनाकर के बनी हुई पार्टी, इस रूप में हम लोगों ने जगह पाई है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। उस गर्व को हम, उस यात्रा के हम सब सहयात्री हैं, हम उसके सहभागी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी विशेषता रही है कि पार्टी चले लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार को विद इन पार्टी मजबूती मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है कि हम एक सुचारू रंग से चलने वाली व्यवस्था से जुड़े हुए दल की तरह आगे बढ़ना चाहिए। हम कोई टेम्परेरी यहां आए नहीं है, हम लंबे अरसे तक मां भारती की सेवा करने के लिए आए हुए लोग हैं। सदियों तक ये काम करना है। और जिन आशा अपेक्षाओं से इस दल का जन्म हुआ है उसको पूरे किए बिना चैन से बैठना नहीं है। और इसलिए व्यवस्थाएं चाहिए, कार्यालयों की रचना हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग हो, विश्वव्यापी संपर्क की आवश्यकता हो, ऐसे हर पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई, अपनी जगह बनाई है। और इस काम में
अमित भाई का कार्यकाल हमेशा हमेशा याद रहेगा। नड्डा जी सर बहुत पुराने साथी रहे हैं, नाम भी भेज दिए मैंने, मिल गए, कभी स्कूटर पर बैठ करके काम किया है साथ में, कितने साल हुए होंगे। हेलो हेलो, लंबे अरसे तक मुझे हिमाचल में काम करने का मौका मिला और इसके कारण भी एक साथी के रूप में उनके साथ काम करता था। मैं जब पार्टी का संगठन देखता था तो वो युवा मोर्चा का काम देखते थे, एक कार्यकर्ता ना लगातार जो भी उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, अनुभव है, मैसेज भेज उसको लेकर के चलता रहे, जब जो जिम्मेवारी मिले उसको निभाता रहे और अपने से हो सके से उत्तम देने का प्रयास करे। ये नड्डा जी को हमने भली भांति देखा है। हिमाचल के लोगों को लगता होगा कि आज हिमाचल का एक बेटा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, लेकिन जितना हक हिमाचल वालों का है उससे ज्यादा हक बिहार वालों का है, क्योंकि नड्डा जी का पूरा कैरियर, उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ बिहार में ही हुआ है। वो पटना विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं और इसलिए बिहार के लोग नड्डा जी के लिए ज्यादा गर्व करेंगे और हिमाचल तो ऐसा है कि हिमाचल गर्व कर सकता है, अटल जी भी उन्हीं के थे, नड्डा जी भी उन्हीं के थे। मेरे जीवन का जो अत्यंत ऊर्जावान कालखंड मैं कहूं तो हिमाचली लोगों के बीच में बीता है। मुझे विश्वास है कि जगत प्रकाश जी के नेतृत्व में पार्टी अपने मूलभूत आदर्शों और विचारों को लेकर के आगे तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को जब हम विपक्ष में थे तब जो चुनौतियां थी उससे ज्यादा चुनौतियों का सामना एक दल के रूप में आने वाले दिनों में हमें करना होगा। चुनावी मैदान को मैं कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता कभी, वो तो आते हैं जाते हैं चलते हैं। देश की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उनको समर्पित भाव से आगे बढ़ाना और उन सबके सामूहिक पुरुषार्थ से देश को नई ऊंचाई पर ले जाना, ये हमारा संकल्प है और हम इसलिए राजनीति में आए। हम जिन आदर्शों को लेकर के चले हैं, कुछ लोगों को उन आदर्शों के प्रति ही इतराज है। गलत कर रहे हैं, हमारी मुसीबतें इसलिए है कि देश की जनता हम पर आशीर्वाद बरसा रही है। हम तुम्हारे साथ हैं और इसलिए
चुनावी राजनीति में जिन्होंने जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनकी बात अब देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत कम शस्त्र बचे हैं और उसमें से एक है भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, बार बार ऐसी बातें घड़ो, हर चीज को एक रूप दे दो, रंग दे दो और अपनी जो इकोसिस्टम है उससे उसको हवा दे दो। ये लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम मान के चले हमें माध्यमों से मदद मिलने की संभावनाएं बहुत कम है और न ही माध्यमों की मदद से ही जीने की हमारी आदत है। हम लोगों का लालन पालन भी जनता के साथ सीधे संवाद से ही बना हुआ है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं वो एक एक भाजपा के कार्यकर्ता का, एक एक सामान्य परिवार के साथ का जो संपर्क है, अटूट नाता है, विश्वास का माहौल है, वही हमारी शक्ति है। और इसलिए उसी शक्ति ने हमें देश में पहली बार बिन कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, देश ने पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अधिक वोट देकर के फिर से बिठाया। ये भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक। तब भी जो हमारे सामने थे वो पूरी ताकत से सामने थे, हर डगर पर ये जो टोली है वो कभी हमारे साथ रही नहीं है, फिर आगे साथ रहेगी? आशा में समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है? हमारे लिए और सक्रियता की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और जब बात करते हैं लोगों से तो पता चलता है कि आज भी झूठ उनके कान पे पड़ा होता है, भ्रम उन तक पहुंचा होता है, लेकिन आज भी विश्वास को डिगा नहीं पाए हैं। ये विश्वास के भरोसे मैं देख रहा हूं आजकल देश में प्रतिदिन 10 से 15 इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता वहां जाते हैं, 50,000 लाख कॉमन है, लेकिन आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये खेल चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे। उस विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। नड्डा जी का नेतृत्व हमें नई प्रेरणा देगा, नई ऊर्जा देगा और हम सब कार्यकर्ताओं का काम है कि नड्डा जी यशस्वी हो, नड्डा जी जो चाहे उसे हम पूरा कर करके दें। एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जो भी जिम्मेवारी तय हो उस जिम्मेवारी को पूरे समर्पण भाव से पूर्ण करते हुए मां भारती के कल्याण के लिए जिन आदर्श और मूल्यों को लेकर के हम निकले हैं उसे हमारे चरित्र का हिस्सा मान करके ही चलना, बना करके ही चलना और चल करके जन सामान्य की आशा आकांक्षा है। हम कहीं पर भी बैठे हो ये पार्टी के लोग ऐसे हैं कि हमको चलाते हैं।
पार्टी विशेष है। हम कहीं पर भी बैठे हो, ये पार्टी के लोग ऐसे हैं कि हमको चलाते हैं, दौड़ाते हैं, हर पल कोई कोई नया कार्यक्रम लेके आते हैं, और जो ऊपर बैठे हैं उनको दौड़ना भी पड़ता है। ये बहुत यानी एक आनंददायक स्थिति है हमारी पार्टी की, और ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ता वो आपके मार्गदर्शन में जरूर देश को कुछ न कुछ नया देंगे। इस विश्वास के साथ अमित भाई के कार्यकाल के लिए अमित भाई को बधाई देते हुए, नड्डा जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए, आप सब कार्यकर्ताओं को एक ही संकल्प लेना है, आओ नड्डा जी के नेतृत्व में चल पड़े। धन्यवाद।